भाई लगभग 10 घंटे लगे हैं हमें यहाँ पहुँचने में। क्या रेट है आपका? क्या रेट है एक मेंबर का? दोनों के पास एक वो थी बोतल। बढ़िया टेंट है, साफ सुथरे टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, सही है। क्योंकि अब यात्रा थोड़ी सी ढीली हो गई है क्योंकि यात्री कम आने लगे हैं। 10 मिनट लगी हैं, फोटो भी खिंचवाए हैं, फॉर्म भी भरा है और मेडिकल भी। 4,450 गवर्नमेंट रेट है, तो इसमें हम आपको नहीं ले रहे हैं। तो ये 350 रुपए का सिलेंडर है। 10 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। भगवती नगर से निकले थे 3:20 पर सवेरे पहली कानवाई में, और अब टाइम हुआ है 1:20 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं बालटाल। आप देख सकते हैं गाड़ी पार्किंग में हमने लगा दी है, और ये देखिए बड़ा सुंदर दृश्य है बालटाल का। और यहाँ हम अब टेंट लेने पड़ेंगे, टेंट देख लो किस प्रकार से है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या रेट है आपका? क्या रेट है एक मेंबर का? वन 100 रुपए एक मेंबर का रेट बता रहे हैं। तो देख लो भाई, इस तरीके से टेंट है यहाँ पर अवेलेबल रात को रुकने के लिए। ये देख लो भाई, बहुत सारे टेंट है। तो दोस्तों, रात को रुकने के लिए यहाँ टेम्परेरी टेंट बनाए हुए हैं, क्योंकि यात्रा 19 अगस्त तक है। 19 अगस्त के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और यहाँ कुछ भी नहीं होता, सब खाली हो जाता है। जो भी यहाँ पर रह रहे हैं टेम्परेरी तौर पर रह रहे हैं, बाकी सभी नीचे तो चले जाएंगे। नगर में तो जब चेकिंग के दौरान ना सोनू के पास एक वो थी बोतल, एक बोतल थी भाई आरएस की, वो लापता हो गई। वो लापता हो गई, निकाल ली। और कैनी वैनी बीड़ी सिगरेट सब निकाल लिए थे, लेकिन अब बालटाल में ऐसा कुछ नहीं है। बीड़ी सिगरेट साथ लेके आया सोनू अपने। तो देखो भाई, इस तरह के टेंट ले लिए हमने, फाइनल कर लिया ना, ये हो गया ना। देखो भाई, इस तरह के टेंट है, इसमें ये आते तो आते लौट गया। रुपर कौन लेकर था बैग में? तो भाई बढ़िया टेंट है, साफ सुथरे टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, सही है। के नहीं, अरे ये खुलू आमी हवा होगी, हवादार है, उसकी तरह नहीं है। तो भाई ये टेंट ले लिया हमने, और इसका किराया जो हम बता दें आपको नहीं बताते। तो भाई हम पहुंच गए बालटाल, और ये है पूरी मार्केट है बालटाल की। एक तरफ भंडारे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं एक साइड में, और क्योंकि अब यात्रा थोड़ी सी ढीली हो गई है क्योंकि यात्री कम आने लगे हैं, और इसलिए जो है जो भंडारे हैं कई वो उठ रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं वो, क्योंकि पहले बहुत सारे भंडारे थे। अब ये देखे, ये भंडारे खाली हो रहे हैं, उठ रहे हैं यहाँ से, और अभी भी बहुत लगे हुए हैं। तो और जैसे जैसे यात्रा, क्योंकि 19 अगस्त तक ही यात्रा है ये, इसलिए भंडारे उठ रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है पहाड़ों के बीच में। मैं ये बता दूं आपको कि हम 18 मेंबर आए थे, जिसमें 17 लोगों का ये मेडिकल और रजिस्ट्रेशन हो गया था, एक बंदे का नहीं हुआ था। लेकिन पहले उसका मन नहीं था जाने का बाबा के दरबार पर, बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन अब मन बन गया है सोनू भाई का। ये सोनू है भाई, तो इन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल एकदम हाथों हाथ समझ लो कितने आधे घंटे बन गया भाई, 15 मिनट में ये मेडिकल तो 15 मिनट में हो गया भाई। 15 मिनट लगी है, फोटो भी खिंचवाए है, फॉर्म भी भरा है और मेडिकल भी, और उसके बाद जहाँ पे फीस जमा होनी थी वहाँ हो गया है। हम 15 मिनट के अंदर फीस अभी जमा 6 बजे जमा होगी, उसके बाद RFID कार्ड बनेगा। तो भाई अगर कोई भाई दर्शन करना चाहता है और उसका कार्ड नहीं बना हुआ है और वो आ गया है आने के बाद दर्शन करना चाहता है, तो भाई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी पॉसिबल है, सेम डे में पॉसिबल है। अब ये देख लो, शाम को हमने 4 बजे के आसपास ये काम मतलब मन किया कि वो भी जाना चाहता है सुबह, सोनू भी, तो उसने बनवा लिया है। देख लो भाई, ये मेडिकल है, और शाम को 6 बजे फीस जमा होगी और ये सुबह हमारे साथ चलेगा। रात को 2 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे एंट्री। हर 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 हर। तो भाई बुलावा ऐसे भी होता है, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, और यहाँ आने के बाद सबको देख के, इनके श्रद्धालुओं की भक्ति भाव को देख के, इनके चाव को देख के, सोनू का भी मन कर गया जाने का, और ये कार्ड उसने बनवा लिया भाई। तो
अच्छा रहा है, बिल्कुल अच्छा रहा है। इसी को कहते हैं भगवान की हेतु की कृपा ऐसे होती है, जो बिना मन के भगवान बुला लेते हैं उस पर विशेष कृपा होती है, उसको हेतु की कृपा कहते हैं कि भगवान उसको अपनी गोद में उठा के फटाफट अपने पास बुलाना चाहते हैं। ऐसा कोई कोई भक्त होता है जो एट ए टाइम मतलब तैयारी करके बगैर तैयारी के उसको बुला लेता है। देख लो भाई, तुरंत बुलावा है भाई का और तुरंत कार्ड बनवा दिया। और इसमें इस भाई ने बहुत सहयोग करा भी, हमें तो पता भी नहीं था कैसे बनेगा। बाबा की दया से हुआ सारा, बाबा की दया, बाबा ने आशीर्वाद की दिया है, जब जाके एकदम प्रोग्राम बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ देना तो भाई। जय बाबा की, तो दोस्तों हमने घोड़े वालों को बुला लिया था ताकि जो भी कोई घोड़े पे जाना चाहता है उससे अपना रेट तय कर ले, तो ये बार्गेनिंग हो रही है। ज्यादा वजन है उसका ज्यादा पैसा लग रहा है ना, जिसका कम वजन है उसका कम पैसा लगना चाहिए। मेरी लगते लेते ले जियो 100 ग्राम रह गए, कर लो वजन कम, फिर तो मेरे ख्याल 10 रुपए में ले जाएगा। अच्छा, 4,450 रुपए गवर्नमेंट रेट है, तो इसमें हम आपको नहीं ले रहे, वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि घोड़े वाले ने बताया कि 4,450 रुपए पर पर्सन रेट है आने जाने के लिए घोड़े का एक का, तो उन्होंने कहा कि अभी हम वो चार्ज नहीं कर रहे, तो हमको उन्होंने 3,000 रुपए पर पर्सन का रेट दिया है, 3,000 रुपए में वो आना जाना करेंगे एक घोड़े का। और पालकी के लिए हमने पता किया तो उन्होंने कहा 17,000 रुपए एक बंदे का रेट है पालकी का, पालकी से आना जाना करेंगे 17,000 रुपए। अगर भाई किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन कम है चढ़ाई में, तो ये 350 रुपए का सिलेंडर है। और भाई यहाँ पर मोबाइल एटीएम भी मौजूद है, आप देख सकते हैं ये जो वैन है इसमें मोबाइल एटीएम है, आपको अगर एटीएम की फैसिलिटी चाहिए तो आप यहाँ से अपने कैश विड्रॉल करा सकते हैं एटीएम के थ्रू, ये मोबाइल एटीएम वैन है। और ये शाम का सुंदर दृश्य है बालटाल का, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, बालटाल टेंट लगे हुए हैं और यहीं चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ बालटाल, यहीं से हमने यात्रा शुरू करनी है कल, बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये बालटाल की मार्केट है, बाजार लगा हुआ है, आप कोई भी सामान गर्म कपड़े जैसे जर्सी जैकेट कैप या कुछ भी सज्जो सजावट की चीजें प्रसाद वगैरह कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं, ये काफ़ी लंबी मार्केट है, आपको हर चीज़ यहाँ तकरीबन मिल जाएगी। और ये एक भंडारे का दृश्य आप देख सकते हैं, दूध आपको पिलाया जाएगा, आप गर्म दूध पी सकते हैं, फुल सेवा है भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए, आप देख सकते हैं ये दिल्ली वालों का भंडारा है, फुल सेवा है भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए। और आपको एक और चीज दिखाते हैं, देखिए सोफे पर बैठकर खाना खिलाया जा रहा है, आप सोफे पर बैठकर खाना खा सकते हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं किसी प्रकार का, कोई भी व्यक्ति अपनी थाली लेकर सोफे पर बैठकर खाना खा सकता है और आपको वहां भी परोसा जाएगा, आप सोफे पर बैठ जाइए वहां भी आपको खाना वहीं परोस दिया जाएगा। तो ये श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए भंडारे। और एक विशेष ध्यान दें, आप जितना खाना खा सके उतना ही थाली में ले, नहीं तो आप अगर थाली को वापस रखेंगे तो आपकी खाने की थाली वापस नहीं ली जाएगी जब तक आप पूरा खाना ना खा लें, तो उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बालटाल से लेके अमरनाथ की पवित्र गुफा तक की पैदल यात्रा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।